स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको 2019 12 फरवरी हिंदी के पेपर का आंसर की देने वाला हूं, जो क्लास 12th के लिए है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक पेपर दे चुके हैं वो आंसर शीट अपना मिला ले कि उन्होंने कितने अंक का सही किया है और कितने अंक का गलत कर दिया है। हम आपको मात्र 2 मिनट में अभी बताने वाले हैं कि कितने अंक तक लगभग आप पा सकते हैं और कितने नहीं पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये लिया गया है 301 CQ। तो जितने लोगों का 301 CQ है वो मिला ले। मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बना दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे देख लीजिए, या तो ये जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। तो जितने भी CQ के 301 कोड के हैं वो लोग मिला लीजिए। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न ये पहला लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से, जिसका प्रश्न आपके सामने, यदि आपके सामने आया होगा तो आप आसानी से इसे कर लिए होंगे। अब बात करेंगे इसके अगले के। तो इसमें जो अथवा बोला था नवीनीकरण, तो इसमें कोई एक ही करना था तो आप पहले को कर लिए तो अच्छी बात है। अब बात करेंगे चौथे के लिए, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये लिखा है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे दे फेंके, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं पहचान। तो ये कहाँ से लिया गया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये लिया गया है रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं, जो शीर्षक है वो है अभिनव मनुष्य से। तो ये चीज़ें आप ध्यान से समझिए, यहाँ से ये लिया गया रामधारी सिंह दिनकर इनके कवि हैं। इसके प्रश्न जो पूछे हैं कवि के विज्ञान को तलवार क्यों कहा, तो आप देख सकते हैं कवि ने विज्ञान को तलवार क्यों कहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी दिखा रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे का नंबर दिख रहा है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एंड वासुदेव सरल अग्रवाल। अगर आपने याद किया होगा तो आसानी से इसे लिख लिए होंगे। बात करेंगे ख के कवि का जीवन परिचय, तो मैथिली सरलगुप्त, मैंने चंद्रशेखर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने दो तीन तीन बार आपको बता दिया था। अगर आपने देख लिया होगा तो आपने इसे आसानी से लिख लिए होंगे। इसमें पूछा है साहित्यिक परिचय देते हुए, तो पहले इसका परिचय लिखना था, फिर साहित्यिक परिचय लिखने के बाद उसके बाद आपको इसका रचनाएं कृतियां लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने पंचलाइट के बारे में आपको बताया था। पंचलाइट अगर आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छे से लिख लिया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में अलग अलग जिला वाइज था कुहासा और किरण में, जो कुहासा किरण के जितने जिले हैं वो लोग आसानी से कर लिए होंगे। जो नारी पात्र चरित्र चित्रण करना था मैंने बता दिया था। सूतपुत्र नाटक, जितने लोग इलाहाबाद से रिलेटेड बहुत लोग हैं वो लोग सूतपुत्र के नाटक भी आराम से कर लिए होंगे। बात करें राजमुकुट की, तो राजमुकुट में भी वही महाराणा प्रताप के चरित्र चित्रण पूछा था, जो मैंने सुबह के डेट में आपको बता दिया था। आन का मान नाटक जो वाराणसी जिले के लिए है, आन का मान में दुर्गा दास का चरित्र चित्रण मैंने आपको बता दिया था। गरुड़ ध्वज में मैंने आपको बता दिया था कि इसके नाटक की विशेषताएं और उल्लेख कीजिए, ये मैंने आपको बता दिया था। बात करें खंड का स्वपठित खंड काव्य में, तो खंड काव्य में रश्मि रथी में खास करके वही पूछता है कर्ण का चरित्र चित्रण, जो कि आया हुआ है, ये जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से कर लिया होगा। जितने लोगों ने कर लिया प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरा कितने नंबर का सही हुआ, प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं। तो इस तरह से आपने खंड काव्य को भी आसानी से कर लिया होगा, जितने अलग अलग है श्रवण कुमार का, श्रवण कुमार वाले भी कर लिए होंगे। अब बात करेंगे यहाँ से संस्कृत के लिए। तो संस्कृत में ये देखिए लिखा है हिंदी संस्कृताग लग भाषुनु अस्य समाना, मतलब ये कहाँ से लिया गया हम आपको बता देना चाहते हैं। ये महामना मालवी से लिया गया है, मैंने आपको सुबह के डेट में ही बता दिया था कि महामना मालवी से आने वाला है, तो ये महामना मालवी से आया है। कोई क्वेश्चन आपको करना था। अब देखिए इसके ख में बात करेंगे, इसके ख में जो यहाँ पे श्लोक दिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो पहला नंबर दिख रहा है उदेती साविता, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है सुभाषी रत्नानी से। मैंने आपको बता दिया था पहले सुभाषी रत्नानी से पूछेगा इस बार, तो देखिए सुभाषी रत्नानी से ये आ चुका है। अब बात करेंगे इसके प्रश्न संख्या 10 में, तो ये प्रश्न संख्या 10 में मुहावरा लोकोक्तियाँ पूछना चाहिए था, लेकिन ये मॉडल पेपर CQ 301 है, इसलिए यहाँ पे संस्कृत में ही बोला है। बात करेंगे इसके रस की, तो शांत रस बीर रस, मैंने बीर रस आपको सुबह में बता दिया था, बीर रस जिसने पढ़ लिया होगा वो आसानी से कर लिए होंगे। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार मैंने आपको बता दिया था। दोहा और छंद, इसमें भी आपको डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से। बात करेंगे 12 क्वेश्चन में, तो 12 क्वेश्चन में पूछ रहा है अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, तो निबंध में देखिए क्या क्या दिखा है। बेरोजगारी की समस्या, जो कि मैंने सुबह के डेट में आपको बता दिया था, जितने लोगों ने किए होंगे वो आसानी से कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या 13 का क, इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि, जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सेकंड सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सज प्लस जन, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस तरह से जितने भी लोग आपको मिला होगा ये सारे के सारे आसानी से कर लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं। जितने लोगों ने कितने नंबर किए हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपने कितने नंबर का सही सही किया है। इसी तरह जितने भी प्रश्न हैं आपने एकदम बिल्कुल सही किया होगा। 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, तुम क्या करना चाहते हो इसका अनुवाद पूछता है। तो ये ज़्यादातर 4 अंक के पूछे जाते हैं। जितने लोगों ने किया होगा वो कर लिया होगा।